हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। इसमें आज हम दो इंडस्ट्रीज़ करेंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और दूसरी करेंगे एल्युमिनियम इंडस्ट्री। तो शुरू करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री भी बोला जाता है क्योंकि ये बाकी की इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है, जैसे कि हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री होगी, डिफेंस इक्विपमेंट हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए। अब देखो, जो आयरन है, आयरन हर जगह यूज़ होता है। अगर आप डिफेंस की कोई चीज़ें बना रहे हो, हथियार बना रहे हो, तो उसमें भी आयरन यूज होगा। ऑटोमोबाइल्स बना रहे हो, गाड़ियां वगैरह, तो उसमें भी आयरन यूज होगा। तो जो आयरन है वो दूसरी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का, फर्स्ट पे आता है चाइना। तो अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में इंडिया में जो क्रूड स्टील प्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था 75.69 मिलियन टन, और टोटल वर्ल्ड की प्रोडक्शन का 6.1% शेयर इंडिया ने प्रोड्यूस किया था। SIMA के अकॉर्डिंग, SIMA क्या है, स्पॉन्ज आयरन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, उसके अकॉर्डिंग जो स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री है वो इंडिया में 1980 में शुरू हुई थी। स्पॉन्ज आयरन क्या होता है, स्पॉन्ज आयरन आयरन की ही एक टाइप है। तो ये बेसिकली कुछ नहीं होता, आयरन और से स्पॉन्ज आयरन बनता है, तो जो कि बाद में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो आयरन स्पॉन्ज आयरन प्रोड्यूसर में इंडिया लार्जेस्ट है। 2018 में इंडिया में 30 मिलियन टन स्पॉन्ज आयरन प्रोड्यूस हुआ था। पिछले 16 सालों में इंडिया वर्ल्ड में टॉप पे रहा है स्पॉन्ज आयरन प्रोडक्शन में, और वर्ल्ड प्रोडक्शन का 30% जो शेयर है वो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट आता है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि जमशेद जी ने इस्टेब्लिश करी थी एट द बैंक ऑफ रिवर सुबर्णरेखा। सुबर्णरेखा रिवर के किनारे पे ये इस्टेब्लिश हुई थी, झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में भी आगे एक जगह है साक्ची, साक्ची जगह पे जो टिस्को कंपनी है वो इस्टेब्लिश हुई थी। और ये इंडिया की पहली मेजर इंडस्ट्री थी जो कि उस टाइम पे बनी थी। फिर इंडिपेंडेंस के बाद जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बनी है उनको हम अब देखेंगे। अब सेकंड फाइव ईयर प्लान के टाइम पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज बनी है, सबसे पहले आती है भिलाई स्टील प्लांट, जो कि 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था भिलाई में। भिलाई कहाँ पे आता है, MP में आता है, मध्य प्रदेश में आता है। और ये इंडस्ट्री शुरू करी गई थी विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन, और इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई थी 1959 में। नेक्स्ट आती है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड रुड़केला, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1959 में वेस्ट जर्मनी की हेल्प से, और कहाँ पे सेटअप करी गई थी, ओडिशा के रुड़केला डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सी इंडस्ट्री किस कंट्री की हेल्प से शुरू हुई थी, तो ये चीज़ें याद करने वाली है। नेक्स्ट आती है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, ये 1956 में इस्टेब्लिश हुई थी ब्रिटेन की हेल्प से, और वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट में शुरू करी गई थी, और इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई थी 1962 में। फिर नेक्स्ट आती है इंडस्ट्री थर्ड फाइव ईयर प्लान के टाइम पे जो बनी थी, इसमें पहले आती है बोकारो स्टील प्लांट, ये 1964 में सेटअप किया गया था रशियन कोलैबोरेशन की हेल्प से। रशिया को उस टाइम पे क्या बोलते थे, सोवियत यूनियन बोला जाता था। और ये प्लांट सेटअप किया गया था, इसका मेन प्रिंसिपल क्या था कि बोकारो और रुड़केला दोनों को कंबाइन करके काम करना है सो दैट कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए, इसका मेन प्रिंसिपल ये था। और इसमें होता क्या था, इसमें ये जो रुड़केला वाला प्लांट था, रुड़केला वाला रीजन था, वहाँ से ये आयरन ओर लेते थे और बदले में उनको कोल देते थे, क्योंकि इनके पास कोल था, उनके पास आयरन ओर थी, तो ये उनको आयरन ओर दे देते थे, कोल उनसे ले लेते थे, तो चीज़ें एक्सचेंज करते थे। नेक्स्ट आती है इंडस्ट्री जो फोर्थ फाइव ईयर प्लान के टाइम पे बनी थी, इसमें आती है सालेम स्टील प्लांट, जो कि तमिलनाडु के सालेम में बना था और 1982 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, इसको विजाग स्टील प्लांट भी बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में ये सेटअप किया गया था विशाखापट्टनम में, और 1992 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट आता है विजयनगर स्टील प्लांट, ये हॉस्पेट में पड़ता है कर्नाटका के बेलारी डिस्ट्रिक्ट्स में, और ये पहला ऐसा प्लांट था जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यूज करके डेवलप किया गया था।
विजयनगर स्टील प्लांट। अब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्या होती है, अब जो पहले वाले हमने स्टील प्लांट्स पढ़े थे वो किसी ना किसी कंट्री की हेल्प से शुरू करे गए थे, जैसे कोई जर्मनी की हेल्प से शुरू करा गया था, कोई रशिया की हेल्प से, तो उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई थी। ये पहला ऐसा स्टील प्लांट था जो इंडिया ने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाया था। जो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट था ये पहला पोर्ट बेस्ड प्लांट था इंडिया का। तो विजयनगर स्टील प्लांट पहला इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया हुआ प्लांट था। नेक्स्ट आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडिपेंडेंस के बाद सेकंड फाइव ईयर प्लान के टाइम पे अब तीन स्टील प्लांट बने थे फॉरेन की कोलैबोरेशन से। कौन कौन से बने थे, एक तो ओडिशा में रुड़केला बना था और एक था छत्तीसगढ़ में भिलाई जो कि उस टाइम पे मध्य प्रदेश में पड़ता था, और एक बना था वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर। तो ये वाले जो तीनों के तीनों ही पब्लिक सेक्टर प्लांट्स थे, ये कहाँ किसके अंडर काम करते थे, ये काम करते थे उस टाइम पे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंदर। तो बाद में 24 जनवरी 1973 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आई और ये इसने 2000 करोड़ के जो कैपिटल थी उनको दी और ये तीनों के तीनों प्लांट्स ही अपने अंदर कर लिए, इनको मैनेज करना शुरू कर दिया। मतलब कि डायरेक्टली अगर हम बोले तो इन तीनों के तीनों प्लांट्स को खरीद लिया 2000 करोड़ की कैपिटल देकर। कब खरीदा था, 1973 में। नेक्स्ट आती है एल्युमिनियम इंडस्ट्री। एल्युमिनियम इंडस्ट्री सबसे जो फर्स्ट टाइम इंडिया में आई थी वो आई थी 1937 में, वेस्ट बंगाल में शुरू हुई थी आसनसोल में। फिर 1938 में सेकंड इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी गई थी बिहार में, जो कि अब झारखंड में पड़ता है मुरी। अब पहले बिहार था सारा, उसके बाद क्या था, बिहार के तीन स्टेट्स बन गई थी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। और केरला के अलवाय में शुरू हुआ था, वेस्ट बंगाल के बेलूर में शुरू हुआ था, ओडिशा के हीराकुंड में शुरू हुआ था। फिर सब्सिक्वेंटली थर्ड इंडस्ट्री भी एल्युमिनियम की इस्टेब्लिश हुई थी यूपी के रेणुकूट डिस्ट्रिक्ट में। और फिर फोर्थ इंडस्ट्री शुरू हुई थी मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, कहाँ पे शुरू हुई थी ये, मेटूर तमिलनाडु में। फिर आई हिंडल्को, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1958 में यूपी में, यूपी में कहाँ, रेणुकूट में। इसका जो पहला रियल कॉन्ट्रीब्यूशन था वो क्या था, वो था इंडिया को इंडस्ट्रियल इंडिया बनाना। और चार साल के बाद फिर जी डी बिरला ने अपना पहला इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड एल्युमिनियम फैसिलिटी रेणुकूट में सेटअप करी थी, जो कि रेणुकूट कहाँ पड़ता है, ईस्टर्न यूपी में पड़ता है। तो ये फिर उन्होंने 1967 में ये जो था ये थर्मल पावर प्लांट रेणुसागर में सेटअप किया था जी डी बिरला ने। तो फिर 7th जनवरी 1981 की अगर हम बात करें तो 7th जनवरी 1981 को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। इसका काम क्या था, इसका काम था अल्मीना एंड एल्युमिनियम की प्रोडक्शन करना, और इसका हेड ऑफिस था ओडिशा के भुवनेश्वर में। फिर जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर भी सेटअप किया गया था 1989 में, और ये सेटअप किया था विद द ज्वाइंट वेंचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड यूएनडीपी। इन दोनों मिनिस्ट्रीज और यूएनडीपी इन दोनों के साथ मिलकर जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर सेटअप किया गया था 1989 में। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री एंड शुगर इंडस्ट्री। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।